दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं एक और मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सारी चीज़ें चुटकियों में आपको याद हो जाती है ना, तो वैसे ही कुछ आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। रस रस का मतलब भी जानते होंगे, रस का शाब्दिक अर्थ आप बचपन से सुनते होते हैं कि रस का मतलब होता है आनंद, है ना। तो चलिए इसी आनंद को हम लोग शुरू करते हैं और पूरे आनंद के साथ पढ़ेंगे और लास्ट तक पूरा आनंद उठाएंगे और बिल्कुल भी एकदम हिचक नहीं होगी और बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है ना कि आप सिर्फ आप किताबें पढ़ते हैं, आप पिछले क्लास में कितने पढ़े होंगे, बहुत ढेर सारी आप जब पिछले क्लास में पढ़ते थे या जितनी भी आपकी एग्ज़ाम होता है आप बार बार पढ़ते हो, भूलते जाते हैं ना। लेकिन उसका मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया आपके लिए कि मैंने आपको यहाँ पे चार लाइन में पूरा रस खत्म कर दिया है, ठीक है। चार लाइन में आपको पूरा का पूरा रस समझ में आ जाएगा, बस शर्त यह है कि आप ध्यान से देखिएगा, मज़े लेके समझिएगा, स्ट्रेस लेके समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मज़ा तो आने ही वाला है ना। तो देश की बात की, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए रस का मतलब होता है आनंद, मैंने बता दिया। अब देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि रस होते कौन से हैं और उनके स्थायी भाव कौन से होते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग यहीं पे होते हैं, सबसे ज़्यादा जैसे कि होता है कि ना कि रस याद कैसे करें, कैसे करें याद। नौठ रस होते हैं, उनको याद करना पड़ेगा, इसके साथ नौठ उनका स्थायी भाव भी याद करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए देखें, देखिए इसका मैंने एक चौपाई टाइप का बना दिया है, पहले मैं पढ़ूंगा पूरा, आप भी मेरे साथ पढ़िए। देखिए, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। ठीक है, आगे देखिए, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे पूरा नौ का नौ रस है और सभी का क्या है, स्थायी भाव भी है। तो ये चार लाइन आपको बस याद करनी है, और याद करने के लिए बड़े ही आसान शब्दों में याद हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप से पोयम है, कविता है। छोटे बच्चे थे तो चार लाइन की कविता याद करते थे कि नहीं करते थे, तो वही करना है, ठीक है। तो आपको चार लाइन की कविता याद कर लेनी है, फिर उसके बाद बिल्कुल टेंशन फ्री रस से, ठीक है। मैं समझा दूंगा ये स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव क्या होता है, इतना कन्फ्यूजन होता है ना, इतने प्यार से समझाऊंगा कि बस मज़ा आ जाएगा। लास्ट में कहेंगे कि जिंदगी में पहली बार समझ में आया ऐसा, ठीक है। तो कमेंट आते भी हैं, आप लोग करते भी, बहुत अच्छा लगता है सुन के, है ना। तो चलिए देखिए इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग स्थायी भाव देख लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पूछता है एग्जाम में, ये पूछ लेता है कि करुण रस का स्थायी भाव बताइए, तो चार ऑप्शंस दे देगा, शोक दे देगा, हास दे देगा, रस दे देगा, उत्साह दे देगा, तो आपको सही करना रहता है। या दे देगा उत्साह किसका स्थायी भाव है, ऐसे पूछ लेगा, या तो इधर से पूछेगा या तो उधर से पूछेगा, तो हमको जब याद रहेगा तो समस्या ही नहीं होगी। तो देखिए, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। चलिए देखिए, करुण का यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ देखिए मैं जो लाइन बना रहा हूँ एरो, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए करुण का क्या होता है, शोक। अब देखिए मैं क्या होता है स्थायी भाव, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दर्शन करने के लिए नहीं है, समझाने के लिए, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, समझना, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। हास्य, जब हास्य का स्थायी भाव हास, ये सब क्या है, ये रस है और ये उसका स्थायी भाव है, नीचे वाली लाइन, फिर ऊपर वाली लाइन रस है, नीचे वाली लाइन स्थायी भाव है। अब देखिए श्रृंगार, श्रृंगार में दोस्तों कौन सा स्थायी भाव होता है, वे होता है रति, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला रस क्या है, वीर रस, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। आगे देखें, देखिए यहाँ पे भयानक रस, भयानक रस है, तो जैसा कि नाम से ही भयानक,
तो भयानक से क्या होगा, डर लगेगा। जो भी भयानक लोग होते हैं उनसे क्या लगता है, डर लगता है। तो भयानक का क्या हो जाएगा, भय। शांत है तो शांत का मतलब क्या होता है, देखिए शांत जो एकदम शांत होता है उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एकदम शांत। शांत जल है, कैसा होता है, एकदम शांत है, तो उसमें कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल हलचल नहीं होता, तो क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वेद। तो शांत का या क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, बस ऐसे याद रखना है। आगे देखिए, अद्भुत। देखिए अद्भुत का क्या है, अद्भुत का विस्मय। एक बार पढ़ दूं मैं, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो देखिए रसों का स्थायी भाव बना, नवरस का सम्मान बना, ये याद रखने के लिए है। मेन हमारा क्या है, मेन हमारा है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अद्भुत का क्या हो गया, विस्मय। रौद्र का क्या हो जाएगा, क्रोध। बोलते ना कि शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, ठीक है, वैसा बोला जाता है कि किसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, कि बहुत भयानक रूप धारण कर लिया, तो रौद्र का मतलब क्रोधित हो जाना, ठीक है, रौद्र में क्रोध आ जाएगा। विभत्स का क्या होगा, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, ठीक है। तो विभत्स का क्या हो गया, जुगुप्सा। तो ये हो गए हमारे कितने, नौ रस, काउंट करते हैं। चलिए देखिए, एक रस करुण रस, एक दो तीन, फिर यहाँ पे चार पाँच और एक छः, ठीक है। उसके बाद देखिए सात आठ और एक नौ, नौ रस हो गए, बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा, सभी का स्थायी भाव, वेरी नाइस। अब कुछ समझने वाली चीज़ें हो जाती, बस इसमें देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था। अभी विभाव क्या होता है, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव क्या होता है, बहुत ही आराम से इसको भी समझ लेते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बताओ मुझसे कि क्या आपने कभी भूत देखा है। रियल में तो नहीं देखा होगा, है ना, आपने रियल में नहीं देखा होगा, मूवी में देखा है। चलिए आप मूवी देखने गए कि भी थिएटर में, और सडनली आपके सामने एक भूत आ गया, है ना, मतलब हॉरर मूवी है, ठीक है, कॉमेडी मूवी में तो नहीं आएगा भूत, लेकिन अब भूत आ गया, ठीक है, तो क्या होगा। चलिए मैं टॉपिक से हटा नहीं हूँ बिल्कुल। अब देखिए जब भूत आया ना, तो जो भूत हुआ, भूत आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, भूत आया तो आप डर गए, ठीक है। चलिए अगर आपके रियल लाइफ में सामने भूत आ गया तो क्या हो गया, इमेजिन कर लीजिए कि भूत आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डर जाओगे। डरने के बाद फिर आपके दिमाग में एक थिंकिंग होगी कि यार भूत है, इसके साथ करना क्या है, भागना है यहाँ से, या इसी के सामने रहना ही है, इसी के पास रुकना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से या तो भाग जाओगे, या तो कुछ करोगे, या तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे, है ना, बोला जाता है ना कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट न आए, महावीर जी नाम सुनावे, ठीक है। तो चलिए देखिए जब भूत आया तो ये जो विभाव है ना हमारा, जो ऑब्जेक्ट है जिसके कारण हमारा स्थायी भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। अब चलिए मैं स्थायी भाव समझाऊंगा। तो देखिए जैसे विभाव है, विभाव समझ लीजिए भूत, ठीक है, विभाव हो गया हमारा भूत, और विभाव के कारण क्या हुआ बताइए, भूत देखने के बाद क्या हुआ, भूत देखने के बाद डर लगा, तो वही जो डर है वे हमारा स्थायी भाव। डर से कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा, आप जब डर जाओगे तो कैसा स्थायी भाव उत्पन्न होगा, जल्दी से बताओ, भय नामक स्थायी भाव, ये है ना भय, हमारे अंदर भय नामक स्थायी भाव क्या होगा, निकलेगा, बाहर आएगा हमारे अंदर का भय, डर हमारे अंदर का बाहर आएगा, भय आएगा, तो भय हमारा स्थायी भाव हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे तुरंत, इमीडिएट, ठीक है, तुरंत हम लोग सोचेंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है ना, तो कुछ गड़बड़ है, तो जो हम सोच रहे हैं ना उसका तुरंत जो रिएक्शन हो रहा है हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे अंदर जो उथल पुथल मच गई उसको देखने के बाद, वे हमारा हो गया संचारी भाव। उसके बाद जो हमारी शारीरिक क्रिया हुई ना, उसको देखने के बाद हमारे मन में जो उथल पुथल मची वे संचारी भाव। उसके बाद जो उसकी शारीरिक रिएक्शन हुआ, ठीक है, शारीरिक क्रिया हुई, फिजिकल रिएक्शन हुआ, तो वो हमारा क्या हो गया, वे हमारा हो जाएगा अनुभव, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभव समझ में आ गया होगा। देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विभाव के बाद सबसे पहले विभाव दिखेगा, विभाव के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होगा, स्थायी भाव के कारण संचारी भाव उत्पन्न होगा, और संचारी भाव के कारण आपको अनुभव का प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है, आपको अनुभव मिलेगा। देखिए विभाव के भी दो भाग होते हैं, जैसे आलंबन और उद्दीपन, आपको बता दिया कि आप लोग याद रखिएगा विभाव के दो भाग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस याद रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा मान लीजिए पूछ लिया कि किसका भाग है, तो आप बता सकते हैं विभाव का है या अनुभव का है। बस रस में कुछ भी नहीं है यार, बस रस यही था, किताब ख़त्म, किताब बंद, ठीक है, अब कुछ भी नहीं था। कोई भी पूछ लेगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, सब सीधे आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप बता लोगे, ठीक है, चार लाइन में। या कोई पूछ लेगा अनुभव क्या होता है,
देखिए मैं क्या बोलूँ कि जैसे एक उदाहरण दे दूँ, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, ठीक है, ये उदाहरण जैसे है। तो आपको परीक्षा में जैसे एक उदाहरण दे दिया, अब उसमें से आपको पूछ लेगा कि इसका जो है विभाव क्या है। तो देखिए विभाव क्या है दोस्तों, बताइए इसमें जल्दी से। मैंने क्या बताया, जिसको देखकर हमारे मन के अंदर कुछ स्थायी भाव उत्पन्न हो, वो क्या हो गया हमारा विभाव, यानी जो मृग है यानी जो हिरण है वे हमारा क्या हो जाएगा, वे हमारा विभाव हो जाएगा। अब विभाव के बाद क्या हुआ, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, उसके बाद उनके मन में क्या हुआ, एक करुण रस उत्पन्न हुआ। करुण रस का मतलब एक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, है ना। तो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ काम किया, उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ने के लिए गए या ये जो भी है। तो ये पूछा जाएगा कि विभाव क्या है, इस लाइन में आपका विभाव क्या है, या इस लाइन में स्थायी भाव कौन सा है, इस लाइन में संचारी भाव कौन सा है, इस लाइन में अनुभाव कौन सा है। बस यही आपके एग्ज़ाम में आता है और यही ऐसे आपका नंबर बनेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ब्रश से किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप नीचे कमेंट में बहुत ही आराम से लिख सकते हो कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी भी टॉपिक में समस्या है, हिंदी के किसी भी प्रकार के टॉपिक में, आप हिंदी छोड़ो, आपको मैथ इंग्लिश बाल विकास साइकोलॉजी से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आराम से दिल खोल के कमेंट करो और बहुत ही वहाँ पे आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा। तो दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि उनको भी और हमारी भी मेहनत थोड़ी सी फेमस हो जाएंगे हम भी, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।